ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज 5 जून 2020 फ्राइडे है, सुबह के 8:24 हो रहे हैं। हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे और उसके बाद निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकती है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करेंगे। ये कल का पिक्चर है, यानी 4 जून आफ्टर मार्केट आज ये पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो ये एक 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 10,176 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 10,032। तो जैसे कि आप जिस चार्ट में देख रहे हैं, निफ्टी इंडेक्स ये इन दोनों लेवल्स के बीच में ओपन हुआ। ये जैसे ही टूवर्ड साउथ की तरफ आया, फर्स्ट टाइम तो इसने ब्रेकडाउन का जो लेवल था इसी के पास एग्जैक्ट सपोर्ट टेस्ट किया और एक बाउंस बैक दिखाने की कोशिश की, हालांकि फेल हुआ। और जैसे ही टूवर्ड साउथ की तरफ ये मूव हुआ, फर्स्ट ये ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक होने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट 10,006 अचीव हुआ। उसके बाद सेकेंड टारगेट 9,976 ये भी अचीव हुआ, और इसी लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट करके फिर से यहाँ से बाउंस बैक दिखाने की कोशिश की, और फिर एग्जैक्ट ब्रेकडाउन लेवल के पास इसने कई बार रेजिस्टेंस फेस किया। तो काफी एक्यूरेट लेवल साबित हुई और क्लोज भी ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन लेवल के पास हुआ। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 34 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 25,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते। कल अमेरिकी बाजार में भी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। नासडैक करीब 67 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी लाल निशान में कल बंद हुए। एशियाई बाजार आज जब खुले तो एसडीएक्स निफ्टी फिर से एक बार हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जापानीज इंडेक्स हालांकि 78 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है, बाकी लगभग सभी एशियाई बाजार हल्के से बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर को देखें तो 92 पॉइंट के इस समय बढ़त दिख रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से थोड़े से पॉजिटिव संकेत इस समय देखने को मिल रहे हैं। कल एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी एक जबरदस्त अपसाइड तेजी के बाद। सबसे पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स को क्या हो सकते हैं ये आइडेंटिफाई करेंगे। ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है। जैसे लास्ट फ्राइडे को भी हमने यहाँ पर एनालिसिस किया था कि ये जो 100 EMA है मंथली चार्ट में, 100 EMA ये अभी हर्डल का काम कर रहा है। इसके ऊपर ये सस्टेन होता है, और अगर यहाँ पर ये इस तरह से अगर ये ग्रीन कैंडल बनता है तो नीचे RSI में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर ये राइजिंग बॉटम फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है, एक अपसाइड मूव का ये सिग्नल होता है। तो अगर ऐसा होता है, ये महीने में अभी तक महीना खत्म नहीं हुआ है, काफी 3 वीक बाकी है, तो अगर ऐसा कैंडल यहाँ पर बनता है तो हो सकता है ये निफ्टी इंडेक्स यहाँ से और ऊपर की तरफ यहाँ पर मूवमेंट हमें दिखा सके। क्योंकि ये जो फॉल आया है, ये जो पहले का जो अपसाइड मूव था, ये इस लो और इस हाई को पकड़ के ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया है, इसका एग्जैक्ट 76.4% के लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया, और अभी ये कंसोलिडेशन फेज में ये ट्रेड हो रहा है। तो अगर यहाँ से एक कंसोलिडेशन फेज को अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, सस्टेन करता है इन रेंज के ऊपर, तो हमें यहाँ से फिर से एक बार अपसाइड मूव देखने को मिल सकती है। तभी फर्स्ट हर्डल एज पर मंथली चार्ट ये 50 EMA का वजह होगा, जो कि अराउंड 24,400 के पास है इस समय, और नीचे ये 100 EMA सपोर्ट का तभी काम कर सकता है, जो कि अराउंड अभी 20,473 के पास है। तो ये लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट है। वीकली चार्ट में हम लोग चलते हैं।
ये वीकली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। अगर आप इस प्राइस एक्शन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर अभी ये डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन यहाँ पर बन सकता है, ये ऐसे। तो इसके एग्जैक्ट नेक लाइन के पास कल ये अराउंड एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और कल यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी। ये जो अपसाइड मूव आया था इसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। अगर ये नेक लाइन का ब्रेक करता है ऊपर की तरफ और ये 20 EMA में ये जैसे ही आगे बढ़ेगा और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से ज़बरदस्त अपसाइड मूव हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। ये एक ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न है, डबल बॉटम। जैसे अभी कुछ दिनों पहले हमने निफ्टी इंडेक्स में देखा था 2 आवरली चार्ट में, अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो ये देखिए यहाँ पर डबल बॉटम फॉर्मेशन जैसा, राइजिंग बॉटम कहेंगे इसको, एक अगली डबल बॉटम फॉर्मेशन। ये जो फॉर्मेशन होता है W पैटर्न जैसा, ये पैटर्न और उसके नेक लाइन का ब्रेकआउट क्लियरली मिलने के बाद जबरदस्त अपसाइड मूव हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिला। तो ये आर्ली चार्ट में था निफ्टी इंडेक्स के। अभी हम निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट देख रहे हैं। अगर ऐसा पैटर्न यहाँ पर क्रिएट होता है तो ही हमें यहाँ से अपसाइड मूव देखने को मिल सकती है। फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी वीकली चार्ट में यहाँ पर बेस बनाया है अराउंड 17,000 के पास बैंक निफ्टी ने। तो अगर यहाँ से फिर से एक बार फॉल आता है तो 70,000 एक क्रूशियल सपोर्ट होगा। तो अगर वो ब्रेक होता है तो निफ्टी इंडेक्स में हमें और बैंक निफ्टी इंडेक्स में और गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि पैटर्न बन रहा है ट्रेंड रिवर्सल का, नेक लाइन और 20 EMA को ब्रेक करना काफ़ी ज़रूरी है, तो ये पैटर्न कन्फर्म यहाँ पर हो सकता है। तो ये वीकली और मंथली चार्ट का बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट पर आप देख सकते हैं ये जो फॉल आया है उसके बाद ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी इंडेक्स, लेकिन एक कंसोलिडेशन फेज यहाँ पर देखने को मिला है। अगर ये जो गिरावट आई थी इसका टॉप और बॉटम पकड़ के हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करें तो 38.2% का ये जो लेवल है, इस लेवल के पास इसने अभी कुछ दिनों पहले एक रेजिस्टेंस फेस किया था और फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ था। तो अभी फिलहाल अगर ये फिर से यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ता है तो ये लेवल के पास 22,000 के पास रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और नीचे की तरफ 50 EMA जो कि डेली चार्ट में अभी फिलहाल 20,554 के पास है, ये सपोर्ट का काम कर सकता है तभी। और उसके बाद 20 EMA जो कि 19,350 के पास है, ये सेकेंड सपोर्ट का काम कर सकता है। जैसे कि हमने वीकली चार्ट में वहाँ पर देखा एक फॉर्मेशन बन रहा है ट्रेंड रिवर्सल का, वो अगर कंप्लीट होता है तो निफ्टी इंडेक्स यहाँ से ज़बरदस्त तेजी हमें यहाँ पर दिखा सकता है। तो ये फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स का एनालिसिस है। इसके अकॉर्डिंग आप आने वाले वीक में अपना ट्रेडिंग प्लान यहाँ पर बना सकते हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यहाँ पर हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन लेवल को यहाँ पर ड्रॉ किया था। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 50% का ये जो लेवल है इसने ऑलमोस्ट अचीव कर लिया। अगर ये यहाँ से ऊपर चला जाता है तो अगर हम मंथली चार्ट में देखें, अगर मैं इसे मंथली चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो आप देख सकते हैं ये 50 EMA का ये जो रेजिस्टेंस है ये अराउंड 10,156 के पास है। इसको ब्रेक करना काफ़ी ज़रूरी है। इसी के पास से यहाँ से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग, एक करेक्शन आते हुए दिखाई दे रहा है। तो मेजर हर्डल 10,156 है, इसको अगर ब्रेक करता है तो जैसे कि हमने ये वीकली चार्ट में इस टूल को ड्रॉ किया है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 61.8% का होगा जो कि 10,276 के पास है। और नीचे की तरफ अगर ये आता है तो ये जहाँ पर इसने ये स्विंग हाई बनाया था अराउंड 9,900 पकड़ लेते, उसके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। जो रेजिस्टेंस का काम करता है वो फ्यूचर में जाके सपोर्ट का काम कर सकता है। तो 9,900 सपोर्ट होगा और ऊपर फर्स्ट हर्डल 10,150 और उसके बाद 10,276। तो ये वीकली और मंथली चार्ट का निफ्टी का एनालिसिस है। डेली चार्ट में अगर देखें तो 100 EMA ये जो था इसी के पास ये ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडलस्टिक नहीं बना, एक बोरिंग कैंडल यहाँ पर बना है, जहाँ पर ओपन हुआ था वहाँ पर ही क्लोज हुआ था। तो ये जो कैंडल है इसका हाई और लो अभी यहाँ से नेक्स्ट ट्रेंड का कंफर्मेशन दे सकते हैं। अगर हाई के ऊपर सस्टेन करता है निफ्टी इंडेक्स तो हमें यहाँ से अपसाइड मूव कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है।
अगर यह इस लो को ब्रेक करता है, इस बोरिंग कैंडल के लो को, तो फिर से यहाँ से ये करेक्शन, ये प्रॉफिट बुकिंग और भी यहाँ से टूवर्ड साउथ की तरफ गहराते हुए हमें नजर आ सकती है। तो ये था कल के डेली चार्ट का एनालिसिस। चलते 60 मिनट के चार्ट में इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। आर्ली चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं जो ब्रेकडाउन लेवल था कल, कैसे एग्जैक्ट इसने रेजिस्टेंस का काम किया जब ये बाउंस बैक हो रहा था ये यहाँ पर, तो काफी एक्यूरेट लेवल कल के भी साबित हुए थे। तो निफ्टी इंडेक्स अगर कल के लो यानी S1 के नीचे, कंप्लीट S1 के नीचे 9940 के नीचे चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9905, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 9875, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स ये नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो इस लेवल के पास जहाँ पर ये गैप अप ओपन हुआ था और एक सपोर्ट लेके फिर से अपसाइड मूव दिखा रहा था 2 दिन पहले, और कल भी इसने जब ये टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हो रहा था तो कल भी इसी लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया था। तो इस लेवल को यानी 10069 को अगर कम्प्लीटली ये ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10102, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 10137, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।